हेलो फ्रेंड्स, तो आज मिलवाती हूँ एक न्यू मेंबर से हमारी फैमिली में, मेरी छोटी बहन के। देखो ये प्यारा सा क्यूट सा बेबी हुआ है। वेलकम बेटा। एक जवान ने तो जेब में से हाथ निकाल लिया। जवान जेब में से हाथ निकालो और चलो फास्ट फास्ट, आपको ही बोला जा रहा है। आ जाओ आ जाओ, कम कम कम। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। सही तो जीनी भागी जा रही है। तेज से चल, हम फॉलो कर रहे हैं तेरे को। भाई सुबह के बज रखे हैं 10:30। मेरे को घर पे बहुत काम था, लेकिन मेरी फैमिली इतनी ढीली है, अगर ना मैं उठूँ पार्क आऊँ तो ये अपना सोते रहे हैं। ये देखो, हाँ सी डैडी व्हाट, इट्स ट्रू। हाँ तो मेरे को सारा काम छोड़ के इनको लेके आना पड़ा है है ना भाई। सर्दी इतनी है, देखो लोगों के ना पॉकेट से हाथ नहीं निकल रहे हैं जब तक नहीं निकलेंगे ना तब तक मैं शूट करती रहूंगी। कहते दामिन ने तो निकाल लिए। चलो पकड़ो पकड़ो पकड़ो, चलो ऐसे बनाऊंगी। चलो देखो बेटी तो कित पहुंच गई। और ये देखो पापा, बेटा इतने लंबे हो गए, लंबे लंबे कदम रखोगे, 2-4 कदम पहुंच जाओ उधर है। चुपचाप चल रहे थे, मारपीट के बे जबरदस्ती लेकर आ रही हूँ जैसे इनको भाई पार्क में बैठे अंकल कह रहे कि लाइफ को एंजॉय करो, दूसरे कह रहे कह मत करके भी दिखा तो जब निकल रहे थे वो ऐसे बोल रहे थे, सही अपना टाइम पास कर रही है। वो चढ़ गया था, तू क्यों रह गई जा। अब सोचेगी देखियो उसका चढ़ना। ओहो इतनी लंबी है, 2 कदमों में चढ़ जाए वहां पे। ओ बताओ बैठ गई है तो भाई हम अपना कर लें एक्सरसाइज। चीनी की मस्ती, स्ट्रगल कह सकते हैं, मस्ती स्ट्रगल क्या तो वो हो जाती है। स्ट्रगल क्या हाँ स्ट्रगल क्या हमें क्या है तेरे स्ट्रगल पे ना, हमें मस्ती सी लग रही है। भाई मेरा ना हलवे का काम, ये जो मेरा फूड प्रोसेसर है सबसे इजी कर देता है। बेसक डेली हलवा बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैंने पीस बड़े बड़े गाजर के डाल दिए। 2 मिनट से भी कम टाइम लगेगा, इतनी बढ़िया चौकी होगी भाई। और आज मैंने ना हलवा ना कुकर में ही बनाना, फटाफट विसल लगा के। और ये देखो आ गई देखने के लिए, ये देखो ये उठा पा रहा ये भाई। हम देखो पार्क में गए ना, मेरे को ना इतनी जल्दी जल्दी होती है ना हर एक चीज की। ये जो भी मेथी के या जो भी कोई छिलके होते हैं ना सब्जियों के, वो मैं कूड़े में नहीं डालती, वो इकट्ठा करके मैं नीचे गाय होती है ना उनके लिए डालती हूँ। कचड़े में कोई फायदा भी नहीं है, और गाय बेचारी वो कचरे में ही घूमती रहती हैं और उनको थोड़ा खाना मिल जाता है। तो मैंने बहुत लोगों को करते हुए देखा है, ये बहुत बढ़िया चीज़ है। और तो भाई जो आजकल सर्दियों में हरी सब्जियां इतनी हम बना रहे हैं, उनको उनका जो भी मतलब की बस्ता है ना वेस्ट, उसको कूड़े में मत डालो। ये देखो कितने अच्छे से मेरी बेटी भी हैंडल कर लेती है उसको, हो गया ना। ये देखो 1 ही मिनट हुआ है, कितने अच्छे से, रुको मैं खोलूंगी, कितने अच्छे से ये हो गया है। तो देखो बिल्कुल जैसे घिया कस में होता है ना ऐसे ही, कितना बढ़िया कस गया है। ये भाई मशरूम धो के रख दिए थे मैंने, आज मेथी मशरूम बनाऊंगी। तो ये धूप में क्यों रखे थे इसका भाई लॉजिक मैं बताती हूँ। मैंने ना यूट्यूब पे कहीं देखा था, कोई स्पेशलिस्ट भी बता रहे थे, अगर ना अपना मशरूम में, ये तो सबको पता है कि विटामिन डी होता है,
थोड़ा धूप में रख दो ना इनको, तो विटामिन डी है ना 10 टाइम ज्यादा हो जाता है इनमें। तो आज मैंने वही चीज अप्लाई की है। अब बना देती हूँ फटाफट मेथी ये धो के रखी हुई और मशरूम। आत्मनिर्भर, तो ये मैडम अपनी कर रही है हिंदी के पेपर की तैयारी, है ना। सुबह वही चाय के साथ नाश्ते में था पोहा, और ये गाजर पाक तो बन ही रहा है, तो मैंने गाजर का रायता भी बना दिया है, बस जीरे का तड़का लगाना रहता है। और ये मैंने हरी मिर्च लहसुन अदरक पीस लिया है मशरूम के लिए। भाई सूखे मशरूम और मेथी बन रहे हैं, तो ये देखो मैंने ना तेज उस पर रखा है, सिम पे नहीं रखा, क्योंकि सिम पे रखते हैं ना फिर वो ज़्यादा पक जाते हैं, सोगी से बनते हैं, तो थोड़े इसे खड़े खड़े क्रिस्पी से बने, इसीलिए मैंने तेज। और वैसे भी मेथी को और मशरूम को ना बहुत ज़्यादा मतलब कि पकाना भी नहीं होता, नहीं तो उसमें कुछ बचता भी नहीं, पक जाए बस अच्छा सा, लेकिन गले ना बहुत ज़्यादा, ये ध्यान रखते हैं। अब डाल दो इसमें मेथी बस, और 2 मिनट ढक के रख देती हूँ, पानी वानी भी इसका सूख ही गया है ऑलमोस्ट। भाई जूजू को सर्दी में पसंद है क्या खाना पसंद, कौन सा फ्रूट पसंद है बेटा? ऑरेंज। और जीनी को पसंद है भाई पपीता, तो पपाया उसके लिए मैंने काट दिया, थोड़ा मसाला डाल दिया है, और वैसे ही वो काफी देर से पढ़ रही है। हाँ हाँ खुश होके दिखा दे, हाँ हाँ तेरा फेवरेट है, चट कर जा फटाफट। बाय। हो गया हमारा लंच तैयार, ये देखो कितनी बढ़िया मशरूम बनी है, चपाती और ये गाजर का रायता। तो भाई मेरे बच्चों को ना खाना खाने के बाद ना कुछ मीठा जरूर चाहिए, और वे खोल के बैठ गए चॉकलेट्स, ये चॉकलेट उनकी बुआ जी ने भेजी है भाई, स्वीडन से वो आई हुई थी तो मिल नहीं पाए, लेकिन उन्होंने इनके इस दिन के लिए स्वीट्स ज़रूर भेज दी, ये चॉकलेट्स भेज दी। तो भाई ये अपनी कर रहे हैं पार्टी, और मैं अपना धूप में बैठी हुई हूँ, धूप सेक रही हूँ, हैं बातें बातें कर रही हूँ। सिस्टर के जो बेटा हुआ है उसकी खुशी मना रहे हैं, ये देख टीनू हम हलवा बना के खा रहे हैं भाई। और ये हलवे की खास बात पता है क्या है, मैं इसमें ना चीनी नहीं ऐड किया हुआ है, मैं चीनी ना थोड़ी अवॉइड ही करती हूँ, क्योंकि ना रेगुलरली हलवा वलवा कुछ ना कुछ मीठा बन ही रहा है घर में, तो मैंने ना इसमें डाली है शक्कर। और ये मैं बेटे को बता रही हूँ, क्योंकि वो कह रहा था मम्मी ब्राउन शुगर डाली, तो मैंने कहा भाई ब्राउन शुगर के नाम पर तो पता नहीं मार्केट में क्या क्या बिक रहा है, ब्राउन शुगर नहीं शक्कर, अपनी जो देसी शक्कर होती है। तो भाई मैं खा रही हूं अपना हलवा, हमारी लेडी अक्षय कुमार, अपना पजामा देख तेरा स्टाइल है, ये किसी का अगर हो जाए तो अक्षय कुमार हो जाता है वो। म्यूजिक सुनते सुनते पड़ेगी है, हलवा तो खा ले तू है बच्चे, अभी तो चॉकलेट नहीं, चॉकलेट भी खाया है आज, फिर कहाँ हलवा खाओगे। तो भाई ठीक है, आज का हमारा व्लॉग यही था, अब हम करते हैं इसको बंद, और बच्चे पढ़ रहे हैं, फिर अपना आगे का करते हैं। बोलो क्या है भाई, आज ना आज के व्लॉग में आप देखोगे कि मैंने ना ज्यादातर ना खाने पीने की चीजें ही दिखाई है, जैसे तो पार्क वार्क का भी हमने वो रिकॉर्ड किया था, लेकिन ज्यादातर खाने का ही रहा है। तो आप मेरे को बताना कि आज मैंने खाने की कितनी सारी चीजें बनाई है। yes. जो आपको मैंने वीडियो में दिखाई। yes. ठीक है, तो खाओ पियो सर्दी में, मस्त रहो, और अपना yes. देखो, और फिर टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।